मिलने के लिए। रोशन साहब, रोशन साहब, लेकिन अमर गणेश साहब, गणेश साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ रोशन साहब आगे बढ़ो, आपके हमारे रोशन साहब आगे बढ़ो, नजर अमर गणेश साहब आगे बढ़ो, आपके हमारे साथ है। सबसे पहले मैं एक नारा दूंगा, बड़ी जोश जोश से उसका जवाब देना। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री रविंद्र रैना जी, श्री रविंद्र रैना जी, श्री अशोक कौल जी, श्री अशोक कौल जी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी रोशन साहब, हमारे प्रेसिडेंट रोशन साहब, नजीर अहमद गनई साहब, नजीर अहमद गनई साहब, वेलकम करता हूँ यहाँ पे हमारे स्टेट पे आए हुए चौधरी रोशन साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नजीर अहमद, और यहाँ पे पब्लिक सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद शेख साहब, बाकी भी बहुत सारे भाई अब लतीफ साहब है, शबीर साहब है, ब्लॉक बिल्डर साहब है, सबके नाम मैं नहीं ले। नजीर अहमद गनई साहब, नाज ना बने बॉयज में, टाइम से इतना ही चल रही ना, ये उसका जोर वाला आवाज का सीन है, बगैर खोल तो खुदा रसोस पर तो भीम तुई कच्चू रोजन रात सोबन तो भीम तुई कच्चू रोजन बुशुस रोजन लिवुज ब्रह्मन मगर खोजन चुन आसन जेम से गरीब बस भाई दे वाई दे खास कर गरीब बस ये जेम इस मैडिया से ना जिया से ये क्या सुई क्यों इनके बादाम से क्या हो रोज बन जाओ ये स्कूल में घंटी है बस मेन्यू काम इसमें जो सकल वाटर वर्कर्स ऐसे सामान दावे नहीं है मगर काम गई ना जो है कांग्रेस दो रोज पीडीपी दो रोज नेशनल दो रोज काम ही गई ना वो तो कौन मैं आख कौन मैं गई कौन नजर आबाद गणेश साहब नजर आबाद गणेश साहब आगे बढ़ो रोशन साहब आगे बढ़ो रोशन साहब आगे बढ़ो
हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रोशन साहब, हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट इमरान साहब, एसटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अबरार साहब, श्री मीरावन वकील साहब, पब्लिसिटी सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक अहमद साहब, लतीफ अहमद साहब और मैंने बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ के भैया, अस्सलाम वालेकुम। उन्हें कहने तो वो माँ जी नहीं हम कुर्सी हम जाने कुर्सी सेकंड इधर सेकंड सॉरी करने तकबीर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनाब चौधरी रोशन साहब, रविंदर रैना जी, अशोक कोल साहब, इस जिला के जिला अध्यक्ष और बीडीसी अनंतनाग नजीर अहमद गनई, कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट इमरान रसूल, एसटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अबरार जी, कॉन्स्टिट्यूंसी के जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद रायू, शबीर बेग, रईस साहब, बाकी जितने भी हैं, शबीर साहब, मुश्ताक अहमद जो कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं, और खासकर आप लोग जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आज हमने यहाँ का आने का, मैं पिछले तीन दिन से कश्मीर के दौरे पे हूँ। पहले दिन हम बांडीपुरा गए थे, कल फिर दूसरे दिन हम श्रीनगर में थे, आज कल हम बारामूला में थे। तो आज इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम यहाँ आए, यहाँ में एमपी साहब को भी आना था, लेकिन जैसे ही हम बारामूला से रवाना हुए, गाड़ी में बैठे, तो उसी वक्त होम मिनिस्ट्री से कॉल आई कि अर्जेंट आज ही उनको वहां पहुंचना है। तो वो फिर उसी वक्त इमरजेंसी टिकट हुई और शाम 8 बजे की फ्लाइट से उनको दिल्ली जाना पड़ा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो जरूर आएंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी भी जगह आएंगे। आपका एमपी है जो आपके बीच आएगा, लेकिन मैं आप एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से। अभी मेरे अजीज कुछ जो मेरे प्यारे इधर आगे बैठे हैं, ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ। साथियों, जुल्म वो था जब इन मेरे बुजुर्गों को, मेरी कौम के लोगों को इलेक्शन शुरू होता था तो नारेबाजी करवाते थे। 1 महीना या 15 दिन इलेक्शन कंपेन चलती थी और नारेबाजी करते थे, और आखिर में जाके ये अपने रिश्तेदारों से लड़ाई करते थे, रिश्ते टूट जाते थे, वोट डालते थे, वोट डाल के जब आते थे वो शाम गुजरती थी, इनके लिए दरवाजे बंद हो जाते थे उन हुक्मरानों के। वो जुल्म नहीं था, मैं अपने बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो जुल्म नहीं था? उसके जुल्म कौन होगा? वो जुल्म नहीं था। आप जाते थे उस कंसर्न एमएलए के पास, मैंने आंखों देखा, मेरे प्रैक्टिकल देखा है ये, और बोलते थे हाँ फलानी जगह का खान आ गया, इसको बाहर बिठाओ, अभी वो बिजी है। वो जुल्म नहीं था आपके लिए? और मोदी सरकार ने आपको यहाँ पे क्या किया, जो इंतजामिया थी आपके घर पे पहुंचाई, बैक टू